हेलो दोस्तों, आज सभी को मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम आपको समीज काटने की तरीका बताऊंगी। देखिए, इस तरह दोनों कामों को इस तरह से मिला लेंगे। देखिए, इस तरह से बराबर रखेंगे। देखिए, इस तरह से बराबर कर लेंगे पहले गला को। देखिए, यहाँ पे भी बीच सेंटर मिलाएंगे। देखिए, पहले इसे हटा लेंगे। देखिए, देखिए इस तरह से इसे हटा लेंगे। इसे इस तरह से बराबर कर लेंगे। देखिए, समीज की लंबाई इस तरह से नाप लेंगे। देखिए, यहाँ से नाप लेंगे। समीज की लंबाई 37.5 इंच है। तो देखिए, यहाँ से 37.5 इंच नाप लेंगे। देखिए, पहले यहाँ पर इस तरह से चिन्ह लगा लेंगे। हो गया। देखिए इस तरह से, देखिए यहाँ से समीज की लंबाई नाप लेंगे। देखिए, लंबाई 37.5 इंच है, तो इस तरह से चिन्ह लगा लेंगे 37.5 इंच पर। हो गया। देखिए, इतना ज़्यादा है मोड़ने के लिए। और फिर देखिए, यहाँ से यहाँ तक 37.5 इंच है। देखिए, आधा इंच गला की कढ़ाई छोड़कर निशान लगाएंगे। देखिए, इस तरह से निशान दिखेगा। देखिए, कंधे नापेंगे समीज की पहले। देखिए, इस तरह से यहाँ तक कंधे की लंबाई नाप लेंगे। देखिए, कंधे की लंबाई 3.5 इंच है, तो यहाँ पे 4 इंच पे चिन्ह लगाएंगे। देखिए, 1 इंच यहाँ पे इस तरह से घटा लेंगे और इसे इस तरह से मिला लेंगे। हो गया। देखिए, यहाँ पे काखी की लंबाई 6 इंच रखेंगे। इस तरह से निशान लगा लेंगे। हो गया। अब समीज की सीना की नाप लेंगे। देखिए, सीना की लंबाई यहाँ से यहाँ तक नापेंगे। देखिए, 17 इंच है। और यहाँ पे कमर की नाप लेंगे, 15 इंच है। देखिए, यहाँ पे हिप की लंबाई लेंगे, 17 इंच है। देखिए, देखिए पहले सीना की लंबाई इस तरह से नाप लेंगे और फिर देखिए यहाँ पे चिन्ह लगा लेंगे। देखिए, पहले इसे सीना की लंबाई 17 इंच है, तो इसे इस तरह से मोड़ लेंगे 17 इंच के आधा 8.5 इंच पर इस तरह से चिन्ह लगा लेंगे। देखिए, हो गया। अब कमर की नाप लेंगे। देखिए, यहाँ से 6 इंच नापेंगे यहाँ तक और फिर इसे यहाँ से यहाँ तक कमर की लंबाई नाप लेंगे। देखिए, 15 इंच है। देखिए, इस तरह से कमर की लंबाई, देखिए पहले यहाँ पे 6 इंच पर इस तरह से चिन्ह लगा लेंगे और फिर देखिए यहाँ पे इस तरह से 15 इंच के आधा कर लेंगे। देखिए, 7.5 इंच आ गया। अब इसे इस तरह से निशान लगा लेंगे। देखिए, पहले इसे बराबर कर लेंगे और फिर देखिए यहाँ से यहाँ तक 7.5 इंच पर इस तरह से निशान लगा लेंगे। हो गया। अब देखिए, चाक की लंबाई नापेंगे। देखिए इस तरह से, देखिए यहाँ से यहाँ तक चाक की लंबाई नाप लेंगे, 14 इंच है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से 14 इंच पे आधा इंच ज़्यादा बढ़ाकर रखेंगे लंबाई 14.5 इंच पर। देखिए, जितना सीना की लंबाई है, देखिए यहाँ पे 8.5 इंच है। तो देखिए, हिप की लंबाई भी 8.5 इंच पर इस तरह से निशान लगा लेंगे 8.5 इंच पर। हो गया। अब इसे इस तरह से देखिए इस निशान को मिला लेंगे।
हो गया। अब देखिए यहाँ पे 1.5 या 2 इंच ज़्यादा रख सकते हैं, देखिए इस तरह से 1.5 या 2 इंच रख सकते हैं ज़्यादा। देखिए यहाँ पे चाक बनाने के लिए 1 इंच ही ज़्यादा रखेंगे, देखिए यहाँ पे 1.5 इंच नहीं रखेंगे, 1 इंच पर इस तरह से चिन्ह लगा लेंगे, देखिए इस पर इस तरह से मिला लेंगे। हो गया। आप देखिए देखिए इस तरह से समीज की घेरा की लंबाई नापेंगे, देखिए इस तरह से रख लेंगे और फिर देखिए यहाँ पे इस तरह से निशान लगा लेंगे। हो गया। अब देखिए इस वाले चिन्ह पर इस तरह से मिला लेंगे। अब देखिए सीने के लिए इतना ज़्यादा रखेंगे, देखिए हो गया। देखिए यहाँ पे इस तरह से काखे की गुलाई कर लेंगे, देखिए इस तरह से हो गया। अब देखिए काट लेंगे, देखिए पहले देखिए इस पर सीने के बाद देखिए इतना मोड़ कर सीएंगे। अब इसे इस तरह से काट लेंगे। हो गया। देखिए यहाँ पे इस तरह से कुटका लगा लेंगे, यहाँ पे भी कुटका लगाएंगे और यहाँ पे भी लगा लेंगे कुटका, और देखिए यहाँ पे भी कुटका लगा लेंगे। हो गया। इस तरह से इसे बराबर कर लेंगे। हो गया। अब देखिए समीज की पीछे वाली पाला निकालेंगे इस तरह से, देखिए इसमें पहले देख लेंगे सीधा उल्टा, देखिए उल्टा है, देखिए इस तरह से उल्टा दबोर लेंगे। देखिए इस तरह से बराबर कर लेंगे। देखिए अब इस पर इस तरह से साट लेंगे आगे वाली पाला, देखिए इस तरह से बराबर साटेंगे। देखिए इसे बराबर रखेंगे। हो गया। देखिए अब इसे इस तरह से काट लेंगे। देखिए और यहाँ पे इस तरह से निशान लगा लेंगे और यहाँ पे भी इस तरह से निशान लगाएंगे, देखिए हो गया। देखिए 1 इंच इस तरह से रख के निशान लगा लेंगे, देखिए इस तरह से यहाँ पे गुलाई दे देंगे कलर डालने के लिए। देखिए इस तरह से इस पर रख के देखिए इस तरह से निशान लगा लेंगे। देखिए इस तरह से काखी काट लेंगे पिछली पाला की। हो गया। देखिए यहाँ पे पीछे वाली पाला पर भी इस तरह से कुटका लगा लेंगे, देखिए हो गया। देखिए यहाँ पे इतना ज़्यादा है मोड़ने के लिए। हो गया। देखिए बाजू निकालेंगे समीज के, देखिए ये बाजू की कपड़ा है, देखिए अब इसे इस तरह से देखिए सीधा उल्टा इसमें भी देख लेंगे, देखिए ये सीधा है, अब इसे इस तरह से उल्टा दबोर लेंगे। देखिए पहले लंबाई नापेंगे बाजू की,
देखिए इतना ज़्यादा है लंबाई के। अब इसे इस तरह से दोबोर लेंगे, देखिए इस तरह से बराबर कर लेंगे। बराबर करने के बाद देखिए इस तरह से लंबाई नापेंगे, देखिए इसे इस तरह से दोबोर लेंगे, देखिए इस तरह से दोबरेंगे। देखिए अब इस तरह से बराबर कर लेंगे दोबोरने के बाद, हो गया। देखिए इस तरह से बाजू इस पर साट लेंगे, देखिए इस तरह से साटेंगे। देखिए यहाँ पे इस तरह से निशान लगा लेंगे। देखिए यहाँ पे आधा इंच छोड़कर निशान लगाएंगे। देखिए इस तरह से यहाँ पे भी निशान लगा लेंगे। देखिए हो गया। अब देखिए इतना ज़्यादा रखेंगे मोड़ने के लिए। देखिए यहाँ पे इस तरह से निशान लगा लेंगे। देखिए देखिए यहाँ पे 1.5 इंच ज़्यादा रखेंगे, 1.5 या 2 इंच ज़्यादा रख सकते हैं। देखिए यहाँ पे इस तरह से 1.5 इंच ज़्यादा रख लेंगे, हो गया। अब देखिए इसे इस तरह से काट लेंगे। हो गया। देखिए यहाँ पे इस तरह से कुटका लगा लेंगे और यहाँ पे भी कुटका लगा लेंगे। देखिए इस तरह से यहाँ पे छाट लेंगे इस तरह से। देखिए ये आगे की तरफ पड़ता है। देखिए पहले इस तरह से निशान लगा लेंगे, अब इसे इस तरह से काट लेंगे हल्का, हो गया। देखिए यहाँ पे 20 सेंटर पर इस तरह से कुटका लगा लेंगे, हो गया। देखिए समीज की आगे वाली पला है, देखिए इस पर डोरी पाइपिंग लगा सकते हैं या गला पट्टी। देखिए इस तरह से डोरी पाइपिंग लगा लेंगे इसी कलर का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ हमारे चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुँचे।